नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। कहते हैं भारत को राजनीति हराती है और राजनीति इस देश की अर्थव्यवस्था कतई नहीं हराती। यानी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस देश की महंगाई इस राजनीति के लिए कोई मायने नहीं रखती, बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखती, इस देश में उद्योग कैसे खत्म हो रहे हैं कोई मायने नहीं रखते हैं, बैंक कंगाल हो चुके हैं कोई मायने नहीं रखता। इस देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 60% से ज्यादा बड़ा हिस्सा हमने कर्ज ले लिया है और कर्ज डूबे चले जा रहे हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। इस देश की राजनीति को हाँकने के लिए आपको जातियों की तालमेल को समझना होगा या फिर देश के धर्म को जानना होगा और दंगों को समझना होगा, उनकी परिस्थितियों को जानना होगा, कभी मंडल कभी सोशल इंजीनियरिंग के हालात को समझना होगा। आपने इस देश में बाबरी मस्जिद भी देखी, मुजफ्फरनगर के दंगे भी देखे, गुजरात भी देखा और लंबी फहरिस्त है। सत्ता परिवर्तन के दौर में इस देश में सिर्फ जातियों और धर्म को कहीं ना कहीं चुनाव एसिड के तर्ज पर महसूस किया होगा, लेकिन आपने महसूस कभी नहीं किया होगा अर्थव्यवस्था को। लेकिन पहले जरा चुनाव के जातीय समीकरण क्या कहते हैं पहले इसे समझना होगा, फिर आपको आगे की कहानी समझाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए औपचारिक बुगुल हालांकि नहीं बजा हो, लेकिन सभी पार्टियां अपने समीकरण बिठाने में जुट गई हैं। सभी पार्टियां अपने जातीय समीकरण को सेट करने में लगी हुई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 60% का टारगेट लेकर चल रही है। अब वो कौन सी ऐसी जाति है जिस पर भारतीय जनता पार्टी 60% वोट लाने की बात कह रही है? वीडियो जर्नलिस्ट विकास सिंह के साथ भूपेश प्रताप सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव किसी भी स्तर का हो उसका सीधा प्रभाव केंद्र की राजनीति पर पड़ता है। यूपी से निकला कोई भी सियासी मैसेज दूर तक जाता है, इसीलिए आलाकमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार करने में लगी है, तो उन नेताओं का कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। किस नेता की कहां सभा रखी जाएगी इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय गणित का भी ख्याल रखा जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आलाकमान की ओर से कई स्तर पर रणनीति तैयार है। ऐसे में यूपी चुनाव में जातीय समीकरण शुरू से ही अहम भूमिका निभाता आया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही बनाती है। सियासी दलों के विकास के तमाम दावे उस वक्त खोखले हो जाते हैं जब वो प्रदेश में टिकटों के बंटवारे का समय आता है। यूपी में जातीय समीकरण क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जाति का समीकरण यूपी में 25% वोट बैंक मुख्य रूप से दलितों का है। इसके बाद अगली जाति का वोट बैंक जो कि तमाम जातियों में बटा है वो भी प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण ठाकुर आते हैं जिनके वोटों पर सभी धर्मों की नजर रहती है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भी प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाता रहा है। एक तरफ जहां दलितों का वोट बैंक 25% है तो ब्राह्मणों का वोट बैंक 8%, 5% ठाकुर और अन्य अगड़ी जाति 3% है। ऐसे अगड़ी जाति का कुल वोट बैंक तकरीबन 16% है। वहीं पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर नजर डालें तो ये कुल 35% है, जिसमें 13% यादव, 12% कुर्मी और 10% अन्य जातियों के लोग आते हैं। वहीं इस जातीय समीकरण की दूसरी तस्वीर ये भी है कि इन सभी जातियों पर तमाम दलों का अलग अलग वोट बैंक है। एक तरफ जहां सपा को पिछड़ी जाति का अगुआ, बसपा को दलित वोट बैंक का प्रतिनिधि, तो बीजेपी को अगड़ी जाति का पैरोकार माना जाता है। जातीय समीकरण के अलावा प्रदेश में 18% मुस्लिम और 5% वोट बैंक भी प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका निभाता है। इसका परिणाम है कि पिछली चुनावी तस्वीर लहर से बदलती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दल जातीय दाव से बाजी जीतते रहे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भरोसा इसी सूत्र पर अब भी टिका है
जाति की गुठियां बैठाने में भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीति का पीछे नहीं रहे। लेकिन बीएसपी और एसपी का बहुत सीधा गणित है, अपने साथ मुस्लिम मत में हिस्सेदारी बराबरी के लिए है। अपने जातिगत वोट बैंक के तो ब्राह्मणों के बोनस वोट से ये समीकरण बदल देना चाहते हैं। मुस्लिम दलित ब्राह्मण गठजोड़ से 2007 में सत्ता हासिल कर चुकी मायावती खास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का दाव पूरी ताकत से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चलना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, उससे ही पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। बात की जाए बड़े दलों की तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर तमाम बड़े दल छोटे दलों से गठजोड़ करने की बात कह रहे हैं। हालांकि बड़े दलों का आपस में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए बड़े दल छोटे दलों से बात करने गठजोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए छोटे दलों की तो छोटे दल भले ही जीत के आंकड़े पेश न कर पाते हों, लेकिन बड़े दलों की सरकार बनाने में उन्हें जिताने में माकूल साबित होते हैं। न्यूज वन इंडिया के लिए मैं मनोवर चौहान। दरअसल साल 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से अब तक हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीएसपी का जनाधार खिसकता ही रहा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी शून्य पर ही सिमट गई थी। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से पार्टी की घटती ताकत का ही नतीजा रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी तक से गठबंधन करने में गुरेज नहीं किया था। गठबंधन से पार्टी को 10 लोकसभा सीटें तो मिल गई, लेकिन पार्टी की स्थिति सुधरती नहीं दिखी। ऐसे में मायावती ने गठबंधन तोड़ अकेले ही विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, सभी छोटे दलों के साथ गलबैया करने के लिए उत्सुक है। अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी सभी छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। ऐसे में यही राग कांग्रेस ने भी अलापा है, लेकिन इस गणित की शुरुआत पूरी तरीके से बीजेपी ने की थी। इस गणित का फायदा जो उठाया गया वो बीजेपी के द्वारा उठाया गया था, लेकिन अब लगातार सभी पार्टियां इस ओर रुख कर रही हैं कि छोटे दलों के साथ मिलकर चुनावी रैली में उतरा जाए। जितेंद्र भाटी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। क्योंकि साल 2007 में दलितों के साथ ही बड़े पैमाने पर मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को जोड़ने से पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही थी, इसीलिए बीएसपी प्रमुख एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि डेढ़ दशक में सूबे की राजनीति में बड़े बदलाव हो गए, और पहले हाशिए पर रही है तो बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण सहित पिछड़े और दलितों के वोट बैंक में सींद लगाने में कामयाब रही, जिससे बीजेपी का ग्राफ लगातार ही बढ़ता रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को राजी करने के लिए भाजपा तमाम प्रयास कर रही है। इसके साथ ही ब्राह्मणों की वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी फिर से एक बार नजर है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को राजी करने के लिए तमाम आयोजनों के साथ भगवान परशुराम की मूर्ति का भी आयोजन कर रही है। अब देखना यह होगा कि ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी और बसपा के आयोजनों में किस तरह आकर्षित होती है और कितना खिंचती है, यह समय बताएगा। लखनऊ से कैमरामैन अभिषेक के साथ दानिश्वर सी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। मायावती और पार्टी महासचिव सतीश मिश्र को लगता है ब्राह्मण तो बसपा के साथ ही आएगा। वैसे तो अभी यही लगता है कि मुस्लिम समाज एसपी के साथ ही रहेगा, लेकिन बसपा मुस्लिम समाज को अब की बार कहीं ज्यादा टिकट देने की तैयारी में है। ऐसे में मुस्लिम समाज भी अगर बसपा से जुड़ता है तो उसके लिए सत्ता की राह आसान हो सकती है। हालांकि जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर छोटे दल भी सक्रिय होते दिख रहे हैं, उससे मुस्लिम मत बट सकते हैं, जिसका सीधा फायदा पूर्व की तरह बीजेपी को मिलना तय है। 4% ब्राह्मणों का 103 सीटों पर प्रभाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का सदैव वर्चस्व रहा है। राज्य की कुल आबादी में करीब 14% हिस्सेदारी ब्राह्मण समाज की मानी जाती है। 403 विधानसभा सीटों में से 103 पर ब्राह्मण समाज का प्रभाव कहा जाता है। इनमें भी 47 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 25% से भी ज्यादा ब्राह्मण समाज का वोट है।
लखनऊ, वाराणसी, चंदौली, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, शाहजहाँपुर, सीतापुर, कानपुर, सुल्तानपुर, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, श्रावस्ती, इन जैसे जिलों की ज्यादातर सीटें ब्राह्मण बहुल है। उसको देखते हुए अब चुनाव में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अगले साल के महत्वपूर्ण यूपी चुनाव में बीजेपी के संभावित प्रदर्शन पर आरएसएस द्वारा चिंता का ही परिणाम था कि नागपुर ऑफिस को हाल ही में नियुक्त सेकंड इन कमांड दत्तात्रेय होसबोले को लखनऊ दौरे पर भेजना पड़ा। उनकी जिम्मेदारी थी कि आए दिन यूपी से आती खराब खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी के प्रबंधन का आंकलन और सरकार और पार्टी में मुख्यमंत्री की कठोर कार्यशैली के खिलाफ मौजूदा असंतोष को नियंत्रित करना। लेकिन इसके अलावा एक सीक्रेट एजेंडा भी था और वो था पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सुलह करना। दरअसल योगी ने मोदी के द्वारा चुने हुए पूर्व नौकरशाह और हाल ही में एमएलसी बने अरविंद शर्मा को किसी भी उच्च प्रशासनिक या मंत्री पद पर भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना चाहते थे। लगता है कि होसबोले कुछ हद तक सफल भी रहे। योगी दिल्ली आकर दोनों बिग बॉस पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए राजी हो गए। चाहे उन्होंने एमएलसी एके शर्मा के मुद्दे पर सुलह और बीच का रास्ता निकाला हो ना हो, लेकिन उन्होंने यकीनन साथ तस्वीर खिंचवाकर और अपने पसंदीदा पत्रकारों से बातचीत कर ये संकेत देने का प्रयास जरूर किया कि सब ठीक ठाक है। हालांकि इसमें शामिल तीनों प्रमुख खिलाड़ियों के जुझारू प्रकृति को देखते हुए होसबोले के लिए ये काम टेढ़ी खीर थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बीजेपी इस राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य को फिर से जीते, संघ ने पूरी जान लगा दी है। और साथ ही बता दें 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की हार, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की तीसरी बार पीएम पद पाने के सपने पर पानी फेर सकती है। लखनऊ की रिपोर्टों से पता चलता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, होसबोले ज्यादा से ज्यादा समय यूपी में बिताना चाहते हैं। संघ को लगता है कि उसके किसी बड़े नेता की शारीरिक मौजूदगी न केवल असंतुष्ट गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगी बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोदी शाह योगी के असहज समीकरण को भी संभालने में मदद करेगी ताकि तनाव सार्वजनिक तौर पर ना फूट पड़े। होसबोले के लिए ये निर्णय कठिन है और चार साल पहले की तुलना में सीएम योगी के तेवर बदल चुके हैं। जब सीएम पीएम मोदी के इच्छा के खिलाफ मुख्यमंत्री बने थे, साल 2017 तक वो संसद में एक भगवाधारी सांसद थे और उनकी पहचान गोरखपुर और उसके आसपास के ही मुंह से आग उगलने वाले गोरखनाथ मठ के सांप्रदायिक प्रमुख के रूप में ही थी। आज योगी न सिर्फ बीजेपी के सबसे ज्यादा डिमांड वाले स्टार चुनाव प्रचारक हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय हिंदुत्व आइकन के रूप में भी उभरे हैं, जो पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के ताज के लिए एक दिन टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। सीएम योगी की महत्वाकांक्षाएं के राष्ट्रीय रुतबे में वृद्धि के साथ ही बड़ी हैं। योगी चाहे तो प्रशासक के रूप में असफल और कुशासन का पूरी किताब हो, लेकिन उन्होंने राजनीति की कला देश के सबसे अच्छे स्कूल उत्तर प्रदेश में सीखी है। जिस तरह से उन्होंने अरविंद शर्मा के लिए पद के मुद्दे पर दो सबसे चालाक राजनीतिक दिमागों को पछाड़ दिया है, वो उनकी महारत को का नमूना ही है। ये दिलचस्प है कि होसबोले की सलाह पर आरएसएस और पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव से 8 महीने पहले सीएम योगी के साथ रहने और सीएम को नाम बदलने का निर्णय लिया था। इसका एक वजह यह भी है कि अतीत में चुनाव के पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री बदलने का खराब अनुभव जो रहा है। दूसरा चरण है हिंदुत्व आइकन के रूप में सीएम योगी की लोकप्रियता। सीएम योगी को हटाना बीजेपी के हाईकोर हिंदू वोट आधार के गले से आसानी से नहीं उतरता। ये सीएम योगी का इक्का था और इसका प्रयोग उन्होंने अपने पोजीशन को बचाने के लिए भी किया है। लेकिन होसबोले की चौकस निगाह में योगी को कुछ रियायतें देनी होगी।
अटकलें ये हैं कि उन्हें AK शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मजबूर किया जाएगा, भले ही वो उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में हो। फैसले की निगरानी की जा रही है क्योंकि ये पहला संकेत होगा कि PM मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ आमने सामने के टकराव के बाद CM योगी कितना पीछे हटने को राजी हुए हैं। ये किस्सा AK शर्मा के विवाद के साथ खत्म नहीं होगा। दरअसल संघ भी आगे की कठिनाई को लेकर सचेत है। टिकट बंटवारे पर भी बहस होना तय है। जब CM योगी अपने लोगों की पैरवी करेंगे तो PM मोदी और अमित शाह अपने वफादारों की पैरवी करेंगे और इसके अलावा जाति के मुद्दे पर भी तनाव हो सकता है। अचानक से BJP में जितिन प्रसाद को लाना ये संकेत देता है कि पार्टी ब्राह्मण वोट के लिए आधार तैयार कर रही है। हालांकि इस प्रभावशाली समुदाय को खुश करने के लिए ये अच्छी राजनीति है, लेकिन ये CM योगी और उनके ठाकुर लॉबी के लिए संभावित टकराव का सूचक है जो पिछले 4 साल से UP में सत्ता के करीब है। ऐसे में होसबोले को ब्राह्मण ठाकुर के प्रतिद्वंदिता को इस तरह हैंडल करना होगा कि इससे BJP के चुनावी समीकरण को कोई नुकसान न पहुंचे। और इन सब के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यूपी में चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा ये बना हुआ था। BJP ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव तो CM योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन इस स्थिति में PM मोदी अपने आप को कहां पाते हैं? आखिरकार वो वाराणसी से सांसद है और यूपी के हर चुनाव प्रचार में अब तक केंद्र में रहते आए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होगा ये तस्वीर तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। हालांकि देखिए, कोरोना काल में CM योगी की दिल्ली में पिछले कई दिनों पहले मैराथन मुलाकातें हुई थी। पहले गृह मंत्री अमित शाह, फिर PM मोदी, फिर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और फिर आखिर में राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। खुद योगी ने ट्वीट कर इन चारों मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट का नाम दिया था, लेकिन एक दिन के अंदर इतना शिष्टाचार सामान्य तो बिल्कुल नहीं लगा था और हर किसी को यही लगा था कि कुछ तो बात जरूर है। ऊपर से CM योगी से मिलने के बाद नड्डा, मोदी और अमित शाह ने भी आपस में बात की थी। CM योगी ने PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकातों पर एक और कॉमन बात लिखी थी, वो था मार्गदर्शन मिला। कयास लगाए जाने लगे थे कि जब CM योगी लौटेंगे वापस तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो संभव होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव किसी भी स्तर का हो उसका सीधा प्रभाव केंद्र की राजनीति पर ही पड़ता है। यूपी से निकला कोई भी सियासी मैसेज दूर तक ही जाता है और इसीलिए आलाकमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर अब शुरू कर दी है और BJP प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार करने में लगी हुई है, तो नेताओं का कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। जिस नेता की कहां सभा होगी, कहां क्या किया जाएगा, ये सब चीजों की लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इसी के लिए क्षेत्रीय और जातीय गणित का भी ख्याल रखा जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए BJP आलाकमान की ओर से कई स्तर पर रणनीति तैयार है। यूपी चुनाव में जातीय समीकरण शुरू से ही काफी अहम भूमिका निभाता आया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही बनाती है और सियासी दलों के विकास के तमाम वादे और दावे उस वक्त खोखले हो जाते हैं जब वो प्रदेश में टिकटों के बंटवारे का समय आता है। दरअसल यूपी में जातीय समीकरण क्या है अब आपको हमने ये तो बताया ही था, लेकिन देखिए BJP सूत्रों का कहना है कि अब चुनाव लड़ना और जीतना इतना आसान नहीं रह गया है। पूरा चुनाव हाईटेक हो चुका है और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि चुनाव जीतने के कई स्तरों पर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक ऐसी समिति भी रहेगी जो किसी प्रोजेक्ट और किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया पर तत्काल ही निर्णय लेने में सक्षम होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही प्रचंड बहुमत हासिल करना चाहती है जैसा उसने साल 2017 में किया था। इस बार PM मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी BJP की
सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी रहेगी और इसके लिए बीजेपी द्वारा जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर बिसात बिछाना तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके पार्टी हाईकमान ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ सह प्रभारी और 6 क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों को भी मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद कहे जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यहां का चुनाव प्रभारी काफी सोच समझ कर बनाया गया है। वो अच्छे रणनीतिकार हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आकर्षण भी युवाओं में काफी है। ऐसे में राजस्थान के अनुभवी नेता केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी बनाया जाना और सह प्रभारी के रूप में ही 3 महिलाओं को भी लगाकर पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आधी आबादी के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से भी बीजेपी के संभावित नुकसान से लेकर दलितों तक सब पर बीजेपी ने नजरें जमा रखी हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में किसान आंदोलन और जाटों की बीजेपी से नाराजगी की चर्चा के बीच हरियाणा के कुमार अभिमन्यु को आगे किया है। अभिमन्यु की वेस्ट यूपी से नजदीकियां बीजेपी के लिए जमीन बेहतर बनाने में काम आएंगी। ऐसे में राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल भी दलित समुदाय से हैं और वेस्ट यूपी के दलित बहुल जिलों की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है। वहीं बिहार के बड़े बुमहार नेता सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर भी यूपी में लगाए गए हैं, जो झारखंड की अन्नपूर्णा देवी यूपी में बीजेपी के मिशन यादव को साधने में काम करेंगी। ऐसे में अनुराग ठाकुर राजपूत बिरादरी से आते हैं तो उनके साथ ही युवा चेहरे भी काफी जुड़े हुए हैं। वहीं यूपी की सियासी प्रयोगशाला में खड़े उतरने वाले चेहरे केंद्रीय राजनीति में भी चमकते रहे हैं। प्रभारी और सह प्रभारियों के सहारे यूपी में सामाजिक समीकरण साधने की बीजेपी आलाकमान की कोशिशों पर नजर दौड़ाई जाए तो धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने यूपी की चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है। वहीं कुर्मी बिरादरी से आने वाले प्रधान यूपी में बीजेपी के लिए पिछड़े वर्ग के वोटरों में घुसपैठ बनाने के लिए भी काम आएंगे। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में 127 और विधानसभा संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधान ने खुद ही इसका भूमिका जो है वो लिख दी थी। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने सदन में आरोप लगाया था कि बीजेपी यादव कुर्मी गुजरों को आरक्षण से बाहर करने की साजिश रच रही है। तब जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सपा यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई जातियों के बीच डर पैदा करने की रणनीति कर रही है। चाहे यादव हो गुज्जर हो, हमने किसी जाति का आरक्षण खत्म किया है क्या? मैं खुद कुर्मी हूं, आप लोगों ने जो गलती की उसे सुधारने का काम किया है। ऐसे में यूपी के चुनावी मंचों पर आगे की प्रधान विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में काम आएंगे। पिछले कुछ दिनों से यूपी बीजेपी में चहल पहल जो है वो काफी देखी जा रही है। ऐसे में बीजेपी अब आने वाले दिनों में क्या करेगी और किस तरह से विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ये देखने वाली बात है और आने वाले दिनों में तस्वीरें जो हैं वो और ज्यादा साफ हो जाएंगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।